दोस्तों एसबीआई खाता धारकों की लगी लॉटरी, अब सेविंग अकाउंट पर मिलेगा एफडी जितना ब्याज। तो आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों आजकल हर व्यक्ति का किसी न किसी बैंक में सेविंग अकाउंट जरूर होता है, जिसके जरिए वह अपने लेन देन के सारे काम निपटाता है। सेविंग अकाउंट में उसे समय समय पर जमा पैसों पर ब्याज भी मिलता है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि ये ब्याज 2.5% से 4% तक ही होता है। वैसे अलग अलग बैंकों की अलग अलग ब्याज दरें होती हैं, लेकिन जरा सोचिए कि यदि आपको अपने सेविंग अकाउंट पर ही फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे ब्याज का लाभ मिले तो ये आपके लिए दोहरे लाभ वाली स्कीम साबित हो सकती है। इस तरह करेंट या सेविंग अकाउंट पर एफडी जैसी ब्याज दर मिलने वाली सुविधा का नाम है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। यदि आपके सेविंग अकाउंट में भी एक अच्छी रकम है तो आप भी ऑटो स्वीप फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। इस सुविधा में आपको डबल बेनिफिट मिल सकता है। पहले तो ये कि आप अकाउंट को सेविंग की तरह इस्तेमाल करते रहें और जब भी चाहें इसमें से लेन देन करते रहें, और दूसरा फायदा ये कि आपको अपने अकाउंट पर एफडी वाला ब्याज मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे सेविंग अकाउंट पर ये फैसिलिटी इनेबल करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। दोस्तों सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज मिलता है वह फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में बहुत कम होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट पर आपको 5 से 7% तक का ब्याज मिलता है। यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी अटैच कराते हैं तो आप उसमें भी फिक्स्ड डिपॉजिट वाला अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप कोई एफडी कराते हैं तो उसमें एक निश्चित अवधि तक के लिए पैसे जमा कराने पड़ते हैं। यदि आप समय से पहले यानी प्री मैच्योर एफडी तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी भी देनी होती है, लेकिन सेविंग अकाउंट में फिक्स्ड डिपॉजिट जुड़वाने से आप इन सारे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और कभी भी अपने अकाउंट से पैसों का लेन देन कर सकते हैं। कैसे इनेबल करें ये सर्विस? बैंकों द्वारा कस्टमर को ये सर्विस देने के लिए अलग अलग मीडियम प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर हम SBI द्वारा अपने ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई इस फैसिलिटी को इनेबल करने का तरीका बता रहे हैं। SBI ग्राहक इस सुविधा को इंटरनेट बैंकिंग या योनो ऐप के जरिए भी चालू करा सकते हैं। सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग पर साइन इन करके मेनू के फिक्स्ड डिपॉजिट ऑप्शन पर जाएं। अब ड्रॉप डाउन मेनू से मोर ऑप्शन पर क्लिक करने से ऑटो स्वीप फैसिलिटी पेज खुलेगा। यहां इसके लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद ये फीचर जिस अकाउंट में चाहिए उसे सेलेक्ट करें और अपना अमाउंट फिक्स करें। यहां आपको डिपॉजिट का टाइम फ्रेम भी चुनना होगा। इसके बाद ओके पर क्लिक करके इसे सबमिट कर दें। आपको यहां पर OTP डालना होगा या फिर ट्रांजैक्शन पिन या पासवर्ड डालना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका बैंक अगले कुछ वर्किंग दिनों में आपके सेविंग अकाउंट में ये सर्विस इनेबल कर दे। योनो ऐप पर कैसे करें ये फीचर इनेबल? योनो ऐप पर जाएं और मेनू से ई फिक्स्ड डिपॉजिट का ऑप्शन खोलें। यहां मेनू से मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट का ऑप्शन चुनें और जिस अकाउंट में फीचर इनेबल करना हो उस अकाउंट को सेलेक्ट कर इसे सबमिट कर दें, और इसके बाद OTP या फिर ट्रांजैक्शन पिन या पासवर्ड डालने को कहा जाएगा। इस प्रक्रिया के पूरा हो जाने पर संबंधित बैंक द्वारा आपके अकाउंट में ये फीचर जल्दी ही इनेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी सेविंग अकाउंट पर FD वाला ब्याज लेने की। अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं तो आपको इसका फायदा लेना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।